नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी की वारदात करते समय अच्छे कपड़े पहनते थे और अपने साथ अपनी पत्नी को भी रखते थे, जिससे कि कोई उन पर शक न करे। इन चोरों के कब्जे से पुलिस ने 7 तोला सोना, वारदात को अंजाम देने के समय इस्तेमाल होने वाली स्कूटी, ताला तोड़ने के औजार और तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े सातीर चोर शहजाद पटियाला पंजाब का रहने वाला है और सिराजुद्दीन कोलकाता का। इन दोनों को थाना 39 पुलिस ने सेक्टर 37 स्थित शौचालय के पास से गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि ये दोनों सूटेड बूटेड होकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए निकलते थे। उनके साथ इनकी पत्नी भी शामिल होती थी। यह पहले स्कूटी में बैठकर मकानों की रेकी किया करते थे, रेकी के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि इन दोनों ने 6 जुलाई को सेक्टर 37 स्थित एक मकान का ताला तोड़कर जेवरात चुराए थे। इसके बाद से ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इनकी पहचान कर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। इसके लिए पुलिस ने 1200 विभिन्न सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। एडीसीपी ने बताया कि शहजाद पर 50 और सिराजुद्दीन पर 40 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दोनों बदमाश चोरी का सामान पटियाला में काले नामक व्यक्ति को बेचते थे। वारदात में शामिल शहजाद की पत्नी और काले की गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। इन बदमाशों का पुलिस आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है।